गाजियाबाद में बदमाशों ने दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास किया। दो तीन बदमाश हथियार लेकर शॉप में घुस गए। ये देखकर ज्वेलर्स इरादे भाप किया और शोर मचाते हुआ बाहर की ओर भागा। खुद के पकड़े जाने के डर से बदमाश लूट के बिना ही फरार हो गए। पुलिस अफसर मौके पर हैं। वहीं पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में लगी हुई हैं। इधर व्यापारियों ने इस वारदात को लेकर हंगामा किया है। ये पूरा मामला मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संचय नगर सेक्टर 23 स्थित जागृति विहार का है, जहां अजय वर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे वे पानी की बोतल लेकर शॉप से बाहर आए और शटर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे। इसी दौरान चार बदमाश धमके। चारों हथियारबंद बदमाशों ने अजय को दुकान के अंदर धकेलने का प्रयास किया। ये देखकर अजय उनके इरादे भाग गए और शोर मचाते हुए सड़क पर आ गए। शोर सुनकर बदमाश हड़बड़ा गए। वे शॉप में अंदर घुस नहीं पाए और बाहर से ही उल्टे पांव भाग निकले। आज थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र स्थित जागृति विहार में एक मां भवानी ज्वेलर्स करके दुकान है, जिसमें शाम 5:30 बजे चार नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि एक बदमाश के हाथ में एक असलाह भी था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु चार टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा।